चलिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट। इसका जो 1.5 का जो इंट्रो पार्ट है ना, ये इस तरीके से है कि आपको पूरा टेंथ का भी चैप्टर फर्स्ट। बेटा पेज शांत हो जाओ तुरंत, आप अध्याय बिल्कुल है। चैप्टर वन क्लास टेंथ के हिसाब से भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग है एनसीईआरटी में ऑपरेशंस और रियल नंबर। रियल नंबर पे ऑपरेशन मतलब रियल, और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे चीड़फाड़ नहीं कर देना। ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये चार ऑपरेशन हम लोग रियल नंबर पे करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन। तो रैशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब क्लास एट तक सीख चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं? इरैशनल नंबर को प्लस माइनस जोड़ना घटाना डिवाइड करना ये सब सीखेंगे अच्छे तरीके, ठीक है भैया। और रूट के नंबर को, इरैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे भी सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर बोलता हूँ 1.2 में ही सीख चुके हैं। 1.2 में आपने सीखा है रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पॉइंट वाले नहीं सीखे थे, जैसे रूट 2.5, रूट 10.6, इस टाइप के हमने नहीं सीखे थे, वो भी इसमें सीखेंगे। और इसमें सीखेंगे कि इरैशनल नंबर को रैशनलाइज करना। तो सारा इंट्रो पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। बात होगी इस पूरे टॉपिक में इरैशनल नंबर की, कि इरैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, वो सब कैसे करते, ठीक है। तो जल्दी से देखो कौन है यार, देखना, चलो छोड़ो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इरैशनल नंबर में ऐड करना। तो बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाएंगे ऐड करने का नियम क्या, ऐड करना इरैशनल नंबर को। इरैशनल नंबर की ही बात होगी, ऐड कैसे करते। अच्छा, इरैशनल नंबर रूट में होंगे, यस और नो? तो एक नंबर ले लेते हैं भाई, जैसे हमको ले लिया हमने रूट टू और प्लस रूट थ्री, इनको ऐड करना है। मान लो एक क्वेश्चन ये लिया, समझेंगे बहुत ध्यान से। और एक नंबर लिया हमने ये रूट टू प्लस रूट टू, बहुत ही सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब कभी इरैशनल नंबर को ऐड करना होता है तो ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है या डिफरेंट है। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? टू, और यहाँ क्या है? थ्री। ये कभी ऐड नहीं हो सकते, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। इनको रूट फाइव मत लिख देना कि 3 + 2 √5, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर यही रहेगा, ये कभी ऐड नहीं हो सकते। आप रूट टू की वैल्यू अलग निकाल लो, रूट थ्री की अलग, तब तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐड नहीं होंगे। अच्छा, अब देखो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, ऐड हो जाएंगे भाई साहब। ये रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो ऐड हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम आती है सर ऐड तो हो जाएंगे लेकिन कैसे होंगे, तो देखो कैसे होते हैं। रूट टू के बाहर कितना लिखा है? कुछ नहीं तो वन, वन तो किसी के आगे, इधर रूट टू के आगे क्या लिखा है? वन। तो वन प्लस वन टू, और ये है रूट टू, ऐसे लिख दो तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2√2। क्या आंसर आ जाएगा इसका, फिर से समझते हैं दो तीन क्वेश्चन और लेके। अगर कहीं लिखा है 2√3 और प्लस 4√3, मान लो ये लिखा हुआ है, कह रहे थे ऐड करो। तो सबसे पहले आप इनको मत देखो, 2, 4 को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर क्या है? 3। यहाँ रूट के अंदर क्या है? सेम है। तो बाहर वाले ऐड करो, 4 + 2 कितना? 6, और वो रूट थ्री का रूट थ्री ऐसे ही लिख दो। क्या चमका? अच्छा, अगर एक बच्चा ऐसे लिखता है ये, अब यहाँ से लॉजिक शुरू, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब नॉर्मली बच्चे कहेंगे सर ये ऐड नहीं होगा, यस और नो? क्योंकि नियम भी यही कहता है, मैंने बोला कि रूट के अंदर सेम होते हैं वही ऐड होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ऐड भी नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इसको समझेंगे सारे बच्चे लोग। अगर मैं रूट 18 का आपको अलग से करके दिखा दूंगा, ये 4√2 है, रूट 18 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 3 × 3 आएगा, यस और नो? आएगा नहीं आएगा? तो इस 3 का पेयर बन गया, और क्लास 8th में पढ़ा जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाता है, पेयर बन गया, भाग गई है, तो ये क्या होगा? 4√2, और ये 3 का पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर आ जाएगा 3, अंदर क्या बचा? केवल 2। समझो, इसका पेयर बन गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो दो थे स्क्वायर रूट से बाहर, एक ही आता है, दोनों को मत लेके आ जाना, ठीक। अच्छा, अब √2 √2 अंदर का सेम हो गया, अब ऐड करो तो 4 + 3 7 √2,
तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे देखना, अगर अंदर वाले के फैक्टर हो रहा है तो करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर ये है टू रूट टू और प्लस रूट सिक्स, अब इसको ऐड करो तो देखते हैं ये ऐड हो पाएगा नहीं होगा। टू रूट टू तो ये हो गए, अब सिक्स के फैक्टर करो, टू इंटू थ्री, क्या किसी का पेयर बनना है? नहीं बनना तो नहीं ऐड होंगे भैया, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही छोड़ दो फिर, ठीक है। ऐड तब होते हैं मेरे भाई, और माइनस, ऐड और माइनस तभी होते हैं जब उनके रूट के अंदर एक ही नंबर होते, सेम नंबर होते। क्या चमका? पक्की बात है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि टू प्लस टू रूट थ्री, अब समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है और ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, समझो ध्यान से, जिसमें रूट आ गया वो इरेशनल हो गया और ये क्या रैशनल नंबर। तो कोई आपको अगर टू प्लस टू रूट थ्री तो फोर रूट थ्री मत कर देना, ये ऐड ही नहीं हो सकते, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये ऐसे क्या ऐसे छोड़ के आ जाना। कभी भी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकता, क्लियर है? पक्की बात है ना? तो क्या ये बातें समझ आ रही हैं? बेसिक है। चलो, माइनस भी यही, माइनस का भी नियम सेम है, रूट के अंदर सेम हो तो माइनस हो, जैसे किसी एक को माइनस कर लेते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री, क्या रूट के अंदर का सेम है? तो माइनस होगा, इसके आगे क्या लिखा है? टू, इसके आगे क्या लिखा है? माइनस फोर, तो टू माइनस फोर का आंसर क्या आएगा? माइनस टू, तो माइनस टू और रूट थ्री। डाउट? डाउट बताइए आप, कहाँ सर ये डाउट है? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं, चलिए जी। अच्छा, तो अब ये हम लोगों ने सीख लिया कि रूट के नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, इसे याद भी रखना, और रटना तो खैर इसे बिल्कुल नहीं, याद रखना बस इसे, क्या कि अगर एक इरेशनल नंबर है, मैं ठीक है, और इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ही हम ऐड करते हैं, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर ही ऐड करते हैं, तो रैशनल नंबर भी आंसर आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, समझो। इरेशनल नंबर से मैं अगर इरेशनल नंबर ही कोई ऐड करते हैं तो या तो रैशनल नंबर भी आएगा या कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, देखो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसको ऐड करो आंसर क्या आएगा? टू रूट टू, तो टू रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। तो 99% बच्चे कहते हैं कि सर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो इरेशनल आता है, और बुक में लिखा हुआ है कि इरेशनल को इरेशनल से ऐड करेंगे तो रैशनल भी आ जाता है। सर रैशनल कैसे आ जाता है? रैशनल कैसे आ जाता है, इसको समझो। अच्छा, बहुत ध्यान से, तो इसको समझने के लिए बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, डस्टर दो पहले, प्लीज़ डस्टर देखो। तो इससे पहले क्या बेसिक चीज आनी चाहिए कि कभी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर आपने ऐड किया या माइनस किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, मतलब एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, जैसे मैं आपको बताता चलता हूँ, टू और रूट थ्री, ये रैशनल है और ये इन्हीं को माइनस करो, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, इनका मल्टीप्लाई करो और इनका डिवाइड करो। तो एक रैशनल है और दूसरा अगर इरेशनल है, इनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है? इरेशनल। याद रहेगा? yes, पक्की बात है। चलो, अब मैं ये भी बताऊंगा ना याद रखने पर, और एक चीज और ध्यान रख लो कि इरेशनल नंबर को प्लस करें इरेशनल नंबर से, या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल, भूलना मत, बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इनमें, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार, टेंथ में भी आता है, नाइन्थ में भी आता है। अगर एक रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, कुमकुम, उनको प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ भी करो, तो आंसर दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी और इरेशनल। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कैसे। देखो, एक नंबर है टू प्लस रूट थ्री, ये इरेशनल होगा क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों को ऐड करते आंसर क्या था? इरेशनल। अच्छा, एक नंबर है टू माइनस रूट थ्री, ये भी इरेशनल है, और इन दोनों को ऐड किया तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, फोर आ गया,
तो 4 तो हमारा रैशनल नंबर है, यस और नो? तो इरैशनल से इरैशनल ऐड करो तो इरैशनल भी आता है और रैशनल भी आता है, ऐसे मल्टीप्लाई में भी है। जैसे मल्टीप्लाई में देखो, रूट टू इरैशनल है और एक रूट टू क्या है, इरैशनल। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या, टू आया, तो टू आया तो टू क्या, रैशनल। अभी बताएंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखने वाली इसको लिख लेना। इरैशनल को इरैशनल से प्लस माइनस डिवाइड करें तो इरैशनल या रैशनल, और दोनों करें तो हमेशा इरैशनल। इसको लिख लो फिर मैं आगे बताऊँ, भूलना मत यार इसको। चलिए अब मल्टीप्लाई देखो कि रूट के नंबर का मल्टीप्लाई, प्लीज डू नॉट टॉक रूट टू एंड रूट थ्री का मल्टीप्लाई, टू रूट थ्री एंड फोर रूट थ्री का मल्टीप्लाई, रूट थ्री एंड रूट थ्री का मल्टीप्लाई, टू प्लस रूट थ्री और रूट टू माइनस टू इसका मल्टीप्लाई, में हर टाइप के क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, ठीक है? और टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। एक तरफ से समझ लो इनको, सारे रूट के कंसेप्ट ख़त्म तुम्हारे, ठीक है? देखो रूट का जब मल्टीप्लाई करते हो इरैशनल नंबर का, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे उसमें था ना प्लस माइनस में कि रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए, देर इज़ नो कंडीशन अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ इरैशनल नंबर, ओके? कोई कंडीशन ही नहीं इसकी, सिंपल सा। बस एक कंडीशन है कि रूट के जो बाहर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई बाहर वाले से अंदर वाले के अंदर वाले से, ओके? तो रूट के रूट टू के बाहर वन, रूट थ्री के आगे वन का मल्टीप्लाई वन लिखो या वन, और जो रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई थ्री टू जा, तो इसका आंसर आ गया सिक्स, ठीक? चलो इधर आ जाओ, इधर रूट थ्री के आगे क्या लिखा है, टू, इधर फोर टू जा एट, और रूट थ्री का रूट थ्री जा रूट नाइन। अच्छा रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री, रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री, तो एट तो है और इंटू थ्री, मतलब क्या आ गया ट्वेंटी, क्लियर है? अच्छा एक चीज़ देखो, रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट के अंदर क्या लिखा है, जब दोनों ही सेम होते हैं तो लोग कहते हैं रूट हटा दो, ऐसी है, रूट नाइन हो गया, रूट नाइन की वैल्यू क्या होती है, ठीक? अगर कभी कोई आपसे पूछे रूट थ्री इंटू रूट थ्री मतलब थ्री, चलिए कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखो ये कैसे करेंगे, टू प्लस रूट थ्री और रूट टू माइनस टू कैसे करते हैं, तो इस पर इसमें पहले टू को पकड़ो और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर रूट थ्री को पकड़ो इन दोनों साथ मल्टीप्लाई करो, ख़त्म। तो देखो टू का मल्टीप्लाई रूट टू के साथ, तो टू रूट टू, टू का जैसे अगर कोई आपसे टू इंटू रूट टू, तो ये तो रूट वाले का रूट के अंदर वाले, इधर तो रूट है ही नहीं, तो सिंपल ऐसे ही, तो टू रूट टू, फिर इसी टू का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ तो माइनस फोर, अब इस रूट थ्री का इस रूट टू के साथ तो रूट सिक्स, और इस रूट थ्री का इसके साथ तो माइनस का, अब कोई प्लस नहीं होगा इसीलिए ऐसे छोड़ दो बस। क्या हार्ड हो गया, सिंपल है यार, मल्टीप्लाई एक एक को पकड़ो दोनों के साथ, एक को पकड़ो दोनों के साथ। चलिए ए टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है डियर ए स्क्वायर, तो ए की जगह मान लो टू और बी की जगह मान लो, तो ए का स्क्वायर टू स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह टू और बी की जगह टू का स्क्वायर फोर। अच्छा रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, कैसे रूट थ्री का स्क्वायर मैं दो बार लिखूं, तो नाइन और ये थ्री हो गया, और टू टू जा फोर और फोर रूट थ्री, तो ये हो गया सेवन। अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, 99% बच्चे वो सेवन फोर ऐड करते थे, इलेवन रूट थ्री का, नहीं यार ये इरैशनल है। रूट वाले नंबर कब ऐड होते हैं, जब रूट के अंदर सेम लिखा हो, यहाँ रूट के अंदर थ्री है, यहाँ कुछ नहीं है और ये इसके साथ ही तो है। आप ये मत सोचो कि सेवन प्लस फोर रूट थ्री है तो इसका इसके ऐड कर दो, नहीं यार सेवन अलग है, फोर रूट थ्री एक साथ है, फोर का इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ लिया मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं डिवाइड का, डिवाइड का कोई नहीं है, कुछ रूल नहीं है, जैसे अगर किसी का कि रूट टू और रूट थ्री का डिवाइड करो, ठीक है? अगर कोई आपसे कहता है तो सिंपल सी बात है, बड़ा रूट लगा दो और टू अपॉन थ्री का डिवाइड कर दो बस, मतलब इनका आपस में ही डिवाइड कर दो और एक बड़ा रूट लगा दो, ठीक है? अगर कोई आपसे कहता भैया कि रूट फोर और रूट टू का मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसके साथ डिवाइड और बड़ा रूट लगा के फोर अपॉन टू, तो टू से टू कट गया, क्या आ गया रूट टू, क्लियर है?
पक्की बात है, समझ आ रहा ना? तो रूट का बहुत सिंपल है, डिवाइड का कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है मल्टीप्लाई की तरह इसमें, एंजॉय द लाइफ, पक्की बात है, कोई दिक्कत? तो क्या हम लोगों ने इरेशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब सीख लिया? कोई भूलोगे तो नहीं कभी, इसको लिख लो आप लोग, लिख लो। अच्छा अब देखिए, अब लोग सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को वो पॉइंट्स में उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे बोल दिया कि भैया मुझको आप अंडर रूट 7.3 नंबर लाइन पे दिखा दो, या कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप मुझे दिखा दो। जैसे आपके बुक में अंडर रूट 9.3 है, इसी को देख लेते हैं, कह रहे इसको नंबर लाइन पे दिखा। अच्छा, रूट के अंदर है, पॉइंट में इरेशनल नंबर है, तो अब इसका देखो फंडा बहुत ही सिंपल है। वो स्केल उठाओ वहाँ से बेटे, स्केल उठाओ जरा। चलिए अब देखो, जैसे रूट में 9.3 हमसे बोला गया, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर जो बोला गया ना, उसकी लाइन ड्रॉ करो आप। तो मैंने उसकी एक लाइन ड्रॉ ये करी, आपके पास स्केल होगी, आप एक 9.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, मैं तो यहाँ पे बड़ी लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, भला 9.3 इतनी होगी आप कैसे समझ पाओगे? ठीक है, आप ये मत कहना कि सर के वाइट बोर्ड में बहुत बड़ी थी, हमारे छोटी कैसे हो गई, समझ जाना इस चीज़ को। तो ये जो लाइन है ए बी, ये 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर कहते हैं कि इसके बाद हमको रूट में दिखाना 9.3, इसके बाद एक सेंटीमीटर, कितना, वन सेंटीमीटर आपको और ऐड करना है यहाँ पे। बी क्या, क्यों करना, सब बताऊंगा मैं, इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया हमने, बट पहले मैं समझा दूं। हमने क्या किया, एक सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर ली, इतना ही है, क्लियर है। ये पोर्शन हमारे पास क्या है, वन सेंटीमीटर, कितना है जी ये, वन सेंटीमीटर। ये पोर्शन इतना था 9.3 सेंटीमीटर, प्यार से समझा रहे, समझ जाओ ना, मना कर रहा हूँ या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ लो उसको, बातें बना रहे हो। ये 9.3 है यहाँ तक, और फिर ये जो है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, कितना जी है, इस पॉइंट को मैंने सी दे दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो एसी है ना, एसी, इसका हाफ करो, इसका तो हाफ करना सीखा, छोटी क्लास दिखाओ, पकड़ो से ना। अब ऐसे में आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, ठीक है, कंपास, इसकी वो और दो, इरेजर बोला था, इरेजर लाए हो, ओ माय गॉड, इरेजर है किसी, इरेजर दो, जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब फेंक दो, फेंक दो, फेंक देना वहीं से, चलो देखो सर। अब क्या करना है हमको, कि जो एसी है ना, एसी, इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास जो कंपास है उसमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो। अब अनुमान से सोचो, ये जो पॉइंट आधे से ज़्यादा ही है ना, तो ए को सेंटर मानो, ए को सेंटर लेके यहाँ पे आपको आर्क लगाना, ये और ये लगा दिया, फिर इतना ही डिस्टेंस, कम ज़्यादा नहीं करना। फिर सी को सेंटर लो, किसको लो, सी को, और इससे इसको मिला दो, इसे इधर कट करो, यहाँ पे कट गया इन लोगों ने, कोई दिक्कत, ठीक है, इस ब्लैक दे दो, स्केल दो। अब क्या करना है हमको, कि भैया मुझे इससे इसको ज्वाइन कर देना जहाँ पे दोनों ने ये कट किया है। तो ये जो पॉइंट आया है, ये इनका मिड पॉइंट निकल गया, इसको मैंने पॉइंट दे दिया डी, ठीक है सर, पक्की बात है, कंपास। अब सुनो, अब क्या करना है आपको, कि अब डी पॉइंट है, जो डी पॉइंट है, इसको आप सेंटर में लो इस तरीके से, और इतना डिस्टेंस लेके एक आपको ये क्या चमका, बढ़िया आया, दिखाओ कैप, इसका कैप, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बना दिया। अच्छा, जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा,
इस बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना दो। कितने का बना दो? 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो 90 डिग्री का एंगल देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, और ये मैं सब समझाऊंगा ऐसा कि सर ऐसा ही क्यों किया आपने, 1 सेंटीमीटर ही क्यों लिया और क्यों मिड पॉइंट निकाला, क्यों 90 बनाया, तो ये सारा झमेला समझा दूंगा भैया। बट पहले समझ लो होगा कैसे। ये 90 ये पॉइंट आया हमारा 90, क्लियर है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इससे पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए कैसे, ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। इसने इस पॉइंट पे कट किया, मान लो ई पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये ई, तो ये पॉइंट बी था, ये बी ई जो डिस्टेंस है ना, ये आपका आ गया √9.3। क्या आ गया ये, एक बार यहाँ तक पहले मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद आगे की जो लाइन है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो समझो, सबसे पहले क्या किया, √9.3 था, 9.3 की लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर मैंने अपनी तरफ से किया, फिर पूरा जो ये 10.3 हो गया ना, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। कैसे, एक बार सी को सेंटर लिया, एक बार ए को, और आधे से अधिक डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट आया, फिर इसको सेंटर लेके ये डिस्टेंस लेके सेमी सर्कल बनाया, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ कट गया वो 9.3 था, कंपास दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे थे कि भैया तुम्हें नंबर लाइन पर दिखाना है, हमने तो हवा में दिखा दिया, अब नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। देखो बी पॉइंट को सेंटर मानो, बी को, इसको ये वाला बी, ठीक है, इसे यहाँ पे रखो और इतना डिस्टेंस लो ये ई तक का, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो पढ़ना बेटे कैप लगा देगा इसका, और आपने ये सी लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे सी पॉइंट को, ये तो यहाँ कट करेगा, तो इस बी से लेके ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा हो गया √9.3। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्की बात है, आप ये बता दो कि सर ये डाउट है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 9.3, यहाँ से इसका नाम दे दो मान लो एफ, तो एफ वी जो है ना, ये हमारा लाइन सेगमेंट है √9.3। मैंने देखो इस चीज़ को अगर मैं हाथ से समझाया था नॉर्मली तो भी आप समझ जाते, बट मैंने खुद करके दिखाया है तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से सेंटर लेना है, कहाँ से क्या चीज लेनी, क्या चमका। किसी भी पॉइंट वाले को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा कि सर क्या हम √7 का भी इससे कर सकते हैं बिना पॉइंट वाले, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, बिना पॉइंट वाले भी इससे कर सकते हो, बट स्कूल में ये रहता है कि पॉइंट वाले को इससे बताया गया, क्लियर। अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉलेज के लिए, ये बात किसके लिए कि सर 1 सेंटीमीटर क्यों और सर यही 9.3 क्यों, ये नॉलेज के लिए बताने जा रहा हूँ। नंबर वाली बात हो गई, वरना बहुत से बच्चे जो होशियार हैं कि सर ने तो ये हमको रटवा दिया है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर लो, यहाँ से ये लो, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बालों को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे सर 1 सेंटीमीटर लेते क्या लेते। अगर सपोज किसी ने आपसे कहा कि √x को नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है, √x का x सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लो, तो मैंने यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कितना ले लिया, x सेंटीमीटर, यहाँ तक कितना ले लिया ये x सेंटीमीटर, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, ठीक है, इसका नाम c है, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वन हो गया, पक्की बात है जी, ठीक है, कितना हो गया एक्स प्लस वन हो गया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है, चलिए अब समझते हैं। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस एक्स प्लस वन हो गया और ये इसका मिड पॉइंट है ओ मान लो, तो अगर मैं बोलूँ पूरा एक्स प्लस वन है तो ओ सी कितना हो गया, हाफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर आपसे बोला है किसी का हाफ करो, मैंने कहा 4 का हाफ करो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा x प्लस वन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x प्लस वन अपॉन 2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x प्लस वन अपॉन 2, क्या चमका। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, जब ये चीज़ x प्लस वन अपॉन 2 है और ये सेमी सर्कल है तो ये भी डिस्टेंस x प्लस वन अपॉन 2 होगा, क्योंकि रेडियस है, ये भी डिस्टेंस x प्लस वन अपॉन 2 होगा, तो ऐसे ही समझ सारे बच्चे ध्यान से समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, समझना बात। ये मैंने एंगल 90 क्यों बनाया, 90 इसलिए बनाया कि 90 में ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो ऐसे ही ओ ई जो होगा ये भी तो x प्लस वन अपॉन 2 होगा, यस और नो। अच्छा
अब समझना, ओ से लेके सी तक कितना है, एक्स प्लस वन अपॉन टू। अगर मैं उसमें से ये वन माइनस कर दूं तो क्या ओ भी निकल के आ जाएगा, समझो। यहाँ से यहाँ तक x प्लस वन अपॉन टू इतना क्या है, वन है। अगर मैं केवल आपसे पूछूँ ओ भी क्या होगा, तो इस पूरे में से वन माइनस कर देना, तो x प्लस वन अपॉन टू में से वन माइनस कर दो तो एलसीएम कितना आया, टू। तो x प्लस वन और माइनस टू, तो ये क्या है, x माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस वन अपॉन टू, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है, पक्की बात है यहाँ। अब सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमको ये बी का डिस्टेंस फाइंड करना, क्या फाइंड करना, बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, यस और नो। देखो अगर टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि कोई बताएगा नहीं आपको तो, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ो। चलिए अब हमको b फाइंड करना, ये इस तरफ आ जाएगा, तो x प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन अपॉन टू का। अब देखो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करो इनको एक बार माइनस करो, तो x प्लस वन अपॉन टू इसको माइनस करो एक बार और एक बार इनको माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। क्या चमका, कमजोर बच्चों को अगर लग रहा है कि टफ है भैया मत देखो, क्योंकि किसी के स्कूल में पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब सुनो, इनका नीचे एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर क्या हो गया, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। इधर क्या हो गया, एलसीएम 2 आएगा तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वन माइनस अंदर जाएगा माइनस का एक्स प्लस का वन। तो सुनो ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो जाए, टू एक्स अपॉन टू, ये एक्स एक्स कट क्या होता है, टू अपॉन टू, तो ये कितना हो गया, बी ई का स्क्वायर। इस टू से ये टू चला गया, इस टू से ये टू चला, क्या बचा केवल एक्स, एक्स बराबर बी ई स्क्वायर और स्क्वायर डबटा इधर क्या आता है, तो क्या ये डिस्टेंस रूट एक्स नहीं हो गया, क्या ये डिस्टेंस रूट एक्स नहीं हो गया, ठीक है। और रूट एक्स फाइंड करना था तो जैसे 9.3 था इस तरीके से, ये केवल नॉलेज के लिए है कि आप हमने वन ही क्यों लिया, ठीक है। तो वन लेने पे ही ये हमारा रूट एक्स निकल के आ गया। आपके अंदर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, तो इसका एग्जांपल आपने एक्स ले लिया, कुछ भी ले लो, वाई ले लो, ये कह रहे हैं सर आपने एक्स लिया, टू ले लो, फोर ले लो, सिक्स ले लो, कुछ भी ले लो। तब भी अगर टू लेते ना तो ये रूट टू होता, थ्री लेते तो ये रूट थ्री, कुछ भी ले लो समझाने के लिए बच्चों को। डाउट बताओ, अच्छा था ये डाउट है अंजलि बेटे। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे प्लस कैसे माइनस करते हैं, आज सीखेंगे कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन ये दी, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन से ही समझाते हैं आपको, ठीक है। कह रहे हैं कि इसको रैशनलाइज करो विद डिनोमिनेटर। हेलो, तो रैशनलाइज विद, अब ये मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, कह रहे रैशनलाइज विद द डिनोमिनेटर, विद डिनोमिनेटर। अब समझते हैं जरा इसका मीनिंग। देखो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बना देना। रैशनलाइज क्या होता है, किसी नंबर को इरेशनल से रैशनल बना देना। लेकिन कोई भी नंबर, अगर एक कोई नंबर इरेशनल है रूट टू, तो ये जिंदगी भर इरेशनल रहेगा, इसके साथ आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते कि इसको रैशनल बना। बट क्या होता है, कई एक काम हो जाता है इसमें, क्या कि जो इसका डेनोमिनेटर है वो टू प्लस रूट थ्री है, मतलब केवल डेनोमिनेटर की बात करें तो इरेशनल है। कह रहे इसको रैशनल कर दो कैसे भी जुगाड़बाजी करके, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या होता है कि वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री है, कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दो, मतलब जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। क्यों किया उसको समझते हैं, ठीक है। केवल बीच का साइन चेंज होगा, अगर इधर माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, ये साइन चेंज नहीं होता, केवल बीच वाला साइन को ही चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है,
क्या चमका? चलिए अब सुनो भाई सब, आ जाओ। तो वन का मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, तो वन टू जा टू, माइनस वन का मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ। क्लियर है? अच्छा जी, अब या तो नाइन्थ क्लास में हो तो तुम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, समझो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लो मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, थोड़ा आराम आराम समझाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। क्लियर है? अच्छा चलो भैया आ जाओ, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो टू माइनस रूट थ्री, टू का स्क्वायर फोर, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अगर रूट के नंबर पे किसी भी स्क्वायर, तो आंसर रूट हट जाता है। तो ऊपर क्या बचा? टू माइनस रूट थ्री अपॉन। अब आप देख रहे होंगे कि भैया इसका जो डिनोमिनेटर इरेशनल था वो क्या बन गया? रैशनल बन, तो रैशनल नंबर था, लेकिन ऊपर वाला क्या बन गया? रैशनल। तो फाइनली देखा जाए कि जो ये पूरा नंबर है ये इरेशनल है, तो अभी भी इरेशनल ही है, केवल डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्या चमका? कभी अगर कोई इरेशनल नंबर है तो वो कभी रैशनल नहीं बनेगा, कभी भी, ठीक है। बट ये कि जो ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, जैसे क्या हुआ है इसका मीनिंग समझो, एक बच्चे का आंसर आया फोर, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन आपने कहा कि इसका आंसर फाइव में ला दो, बिल्कुल आ जाएगा, फाइव माइनस वन, रहा तो अभी भी फोर, रहा तो अभी भी फोर ना, लेकिन फाइव के टर्म्स में आ गया। ऐसे यहाँ पे हुआ, ये इरेशनल अभी भी था पूरा नंबर, और ये इरेशनल अभी भी है पूरा नंबर, बस इसका जो डेनोमिनेटर था वो ये हो गया। क्या चमका? और एक चीज और बता दूं आपको, क्या कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है एक ही है, इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, चिंता मत करो इसके बारे में। क्यों? जो फोर है वही तो ये फोर है, तो देखने में है, लेकिन इसकी वैल्यू आप निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालो, एक ही आंसर आएगा, इसकी चिंता मत करना। चलो अब कह रहे हैं कि भैया इसको भी डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करो, तो देखो कैसे करेंगे। तो जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको लिख दो, बीच का साइन चेंज कर दो, और यही ऊपर कर दो। डाउट बताइए, डाउट डाउट बताओ, डाउट हैं? अरे यार चलो, ये तो चेक कर रहा था आप लोगों को मैं। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़े आगे, ठीक है। तो वन का मल्टी इसके साथ होगा तो क्या होगा? सेवन माइनस थ्री रूट टू, और इसका जो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, क्या चमका? चलो आ जाओ, तो ये हो गया सेवन माइनस थ्री रूट टू, सेवन का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर समझेंगे सारे बच्चे, होशियार तो कर लेंगे, कमजोर समझेंगे, थ्री रूट टू का होल स्क्वायर है। तो देखो थ्री रूट टू का होल स्क्वायर मतलब थ्री रूट टू को दो बार लिख लो, थ्री थ्री जा और टू टू जा रूट फोर का टू, तो नाइन टू जा एटीन। क्लियर है जी? मैं इसे डायरेक्ट कैसे बताता, थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट टू का स्क्वायर टू, नाइन टू जा एट्टी, ठीक है। चलो तो सेवन माइनस थ्री रूट टू, अब 49 से 18 गया तो 31 बचा। तो देख रहे होगे आप, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर था इरेशनल था, नीचे हमारा क्या बन गया? रैशनल। पक्की बात है? तो डाउट है बताओ, आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट है इसमें, पक्की बात है, छापो इसको। अभी केवल इंट्रो पार्ट चल रहा है एक्सरसाइज 1.4 का, फिर इसके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन का वीडियो बनाएंगे, देन एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए एक और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, कह रहे हैं कि ये एक आपके पास दिया नंबर दिया गया है रियल नंबर, कह रहे हैं कि इसका भी रैशनलाइज करो विद न्यूमरेटर, विद मतलब न्यूमरेटर जो 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है इसको रैशनल बना दो। चलो भैया अब न्यूमरेटर क्या है? 2 प्लस रूट 3, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो,
जैसे भी आकाश ने पूछा कि सर बीच का ही क्यों साइन चेंज करते हो, अगर हम बीच का साइन चेंज करते हैं डियर तो फार्मूला बन जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर आता है और रूट में स्क्वायर जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, ठीक है ना सर, चलो आ जाओ। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो कोई भी फार्मूला नहीं बना, तो यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, वन का मल्टीप्लाई टू के साथ, वन का मल्टीप्लाई माइनस इस रूट थ्री के साथ। ठीक, अब टू प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लाई टू के साथ, तो टू टू जा फोर रूट थ्री, और टू रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ, तो माइनस, अब देखो टू रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, और थ्री टू जा सिक्स, तो टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अब ये हो गया टू माइनस रूट थ्री प्लस फोर से थ्री या वन। अच्छा अब देखो ये टू है और ये माइनस का सिक्स है, तो माइनस का फोर, अब ये माइनस का रूट थ्री है, ये प्लस का रूट थ्री है। चलो बताओ इच्छा तनिष्क, माइनस का रूट थ्री प्लस का फोर रूट थ्री का आंसर क्या आएगा? माइनस रूट थ्री प्लस का फोर रूट थ्री। कल तो बता देगा ना, देख रहे हो तुम गधे हो एकदम बेटे, ब्रांडेड वाले। रूट थ्री के आगे क्या है? माइनस का वन हो गया, और इधर रूट थ्री के आगे क्या है? फोर। तो माइनस वन प्लस का फोर का आंसर क्या आएगा? थ्री। तो थ्री बड़ा है और रूट के अंदर क्या है? तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ने का, बैठे हो यहाँ पे तुम, घर बैठो इससे अच्छे बैठे। जब तुमको कल एक चीज़ समझाई हो तुम समझ नहीं आई, क्या फ़ायदा? रूट थ्री के जो आगे लिखा हुआ है वो अलग ऐड कर दो, अगर रूट के अंदर वाले सेम है तो। कल बताया था ये, तो ये आपका, हाँ ये आपका 1.4 का पूरा इंट्रो पार्ट हुआ है, एग्जाम्पल का वीडियो अलग बनेगा।